हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। हम हमारे बेस किचन रेसिपी में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं विंटर स्पेशल ताकत के गोंद के लड्डू की रेसिपी। बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। ठंड में एक लड्डू खाओ और एक्स्ट्रा एनर्जी पाओ, और ये एक्स्ट्रा होने वाली तकलीफ़ों से छुटकारा दिलाए। और विंटर स्पेशल गोंद के लड्डू जो कि बहुत ही आसानी से घर पर बनाए जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हम हमारी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, टोटल हमने 150 ग्राम घी लिया है। अभी हमने 4 टेबल स्पून घी डाला है। ज़्यादा घी खट्टा नहीं डालना है। जब घी अच्छे से पिघल जाएगा तब हम इसके अंदर हम गोंद को डालेंगे। ये देखिए, मैंने 100 ग्राम गोंद लिया है, इसको थोड़ा सा कूट लिया है और धूप में सुखा लिया था। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए इसे करना है, तेज फ्लेम नहीं करना है गैस का, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। ये देखिए कि हमारा गोंद फूल कर दोगुना हो गया है, और जब ये अच्छे से फूल जाएगा तब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हमने उसी घी के अंदर एक कटोरी मखाने लिए हैं। मखानों को भी हमने मीडियम फ्लेम पर ही करना है। इसे 1 से 1.5 मिनट तक भुनना है, ज़्यादा डार्क नहीं करना है। ये भी अच्छे से सिक गए हैं, अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। मखानों से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है और मखाने बहुत ही ताकत के लिए ठंड में इस्तेमाल किए जाते हैं और इससे अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए, हम अब इसे एक प्लेट में निकाल रहे हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा घी और डालेंगे। अब हम इसके अंदर 50 ग्राम काजू लेंगे और 50 ग्राम बादाम लेंगे। हमारा घी अब गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं कि हमने इसके अंदर काजू और बादाम को डालेंगे। काजू और बादाम हमें डार्क नहीं करना है, इसे भी हल्के से भुनना है। इसे कम से कम 30 से 40 सेकंड तक ही फ्राई करें, और ये ध्यान रहे कि आप गैस का फ्लेम कम ही रखें। हम डार्क पे करेंगे तो हमारे काजू बादाम डार्क हो जाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे। काजू बादाम भून गए हैं अच्छे से। इसके बाद हमने आधा कटोरी चारोली ली है। चारोली से को भी हल्के से भुनना है। सभी ड्राई फ्रूट हम भूनकर ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इससे घी का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये बहुत ही टेस्टी और ताकत के लिए तैयार है। अब हम इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर जिस बाउल से हमने मखाने लिए थे उसी बाउल से हमने खोपरे का बूरा लिया है। आप चाहे तो बड़े वाला खोपरा भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये बारीक बूरा लिया है। इसे भी हल्के से भुनना है, क्योंकि ये ऑलरेडी बारीक किया हुआ है, किसा हुआ है। इसे भी हल्के से भून लें और इसे भी एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। सभी सामान को हम इसी तरह से निकाल निकाल कर अलग से रख लेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट हमें ग्राइंडर में मिक्स पीस लेंगे और कुछ को हम ऐसे ही डालेंगे। ये देखिए कि गोंद को हम ठंडा हो चुका है। अब हम इसे कटोरी या बेलन की सहायता से इसे क्रश करेंगे, जिससे कि इसके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। और ये इसे क्रश करने से बच्चे बूढ़े सभी आसानी से चबा लेते हैं। बच्चे और जवान तो अच्छे से खा लेते हैं, लेकिन बूढ़े लोग खोपरा वगैरह नहीं खा पाते, इसलिए हम काजू बादाम को भी एक जार में डालकर पीस लेंगे, जिससे कि सभी लोग इसे आसानी से खा ले और एक्स्ट्रा एनर्जी पाए। और अब हमने एक मखाने, काजू और बादाम, इन तीनों सामान को एक ग्राइंडर में डाल दिया है और इसे हम मिक्स पीस लेंगे, जिससे कि अच्छा दुरमुरा पेस्ट तैयार हो जाएगा। और हमने गोंद को भी क्रश कर लिया है, और ये देखिए कि हमने पीस लिया है और अब सारे सामान को निकाल रहे हैं। और ये जो खोपरा बूरा है इसे हमने ग्राइंडर में नहीं डाला और चारोली को भी नहीं डाला है। अब हम इन सामान को सब अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके अंदर हम 3 चम्मच यानी 3 टेबल स्पून खसखस भी डाल रहे हैं। खसखस बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, ये माइग्रेन और सिर दर्द के लिए बहुत ही फ़ायदे के लिए रहती है। क्योंकि हम विंटर स्पेशल लड्डू बना रहे हैं, इसलिए हमने ड्राई फ्रूट ज़्यादा डाले हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। हमने इसे किशमिश भी डाली है। किशमिश हमने घी में फ्राई नहीं करी है, क्योंकि फूल जाती है। किशमिश को हम इसी तरह से डालेंगे। 1 टेबल स्पून हमने इलायची पाउडर भी डाला है। अब हम इन सब सामान को अच्छे से मिक्स करेंगे।
हमने टोटल 150 ग्राम घी लिया है, क्योंकि ज़्यादा घी नहीं डाला है, घी उतना ही डाले कि जिसके अंदर ये समा जाए। ये देखिए हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम इसे अब एक साइड अलग से रख देंगे। एक पैन लेंगे, उसमें हमने 2 टेबल स्पून घी डाला है। घी थोड़ा थोड़ा करके ही डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं हमने इकट्ठा घी नहीं डाला है। अब हम इसके अंदर 3 टेबल स्पून बेसन डालेंगे। बेसन को हम भुनेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही भुनना है, गैस का फ्लेम हाई नहीं करना है। हमारे पूरे लड्डुओं में हमने घी गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है, थोड़ा सा घी हमने और डाला है क्योंकि बेसन सिकने में घी अच्छा लगता है। टोटल ये ध्यान रखें कि आपको 150 ग्राम घी ही लेना, उसी में आपके परफेक्ट लड्डू और इतनी क्वांटिटी में का सामान भी इतना ही ले तो बहुत ही परफेक्ट लड्डू बनकर तैयार होंगे। थोड़ा सा घी हमने और डाला है और इसके बाद हमने 200 से 250 ग्राम के लगभग हमने आटा लिया है। आटा हमें गेहूं का आटा लेना है क्योंकि लड्डू बना रहे हैं और ये बहुत ही पौष्टिक लड्डू बनकर तैयार होते हैं। गेहूं के आटे से लड्डू की पकड़ अच्छी होती है। आप चाहे तो उड़द की दाल का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन आज हम गेहूं के आटे का लड्डू बना रहे हैं। इसे 3-4 मिनट तक भुनना है, इसे डार्क ब्राउन नहीं करना आटे को। हमने आटा जो हमने ड्राई फ्रूट का मिश्रण तैयार करा था उसके अंदर हम मिक्स कर रहे हैं। गेहूं का आटा और बेसन सभी को हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब हम इसके लिए जब लड्डू बनाएंगे तो इसके लिए हम गुड़ की चाशनी तैयार करेंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी के लिए हमने एक पैन लिया है, पैन के अंदर हमने 2 टेबल स्पून पानी डाला है और 200 ग्राम हमने गुड़ लिया था। गुड़ को हमने बारीक टुकड़ों में काट लिया था ताकि गुड़ हमारा आसानी से पिघल जाए। गुड़ को हमें 1 या 2 तार की चाशनी नहीं बनाना है, सिर्फ हमें नॉर्मली गुड़ को पिघलाना है। गुड़ जब हमारा परफेक्ट अच्छे से पिघल जाएगा तो हम इसकी इसे मिश्रण में मिक्स कर देंगे जो ड्राई फ्रूट का मिश्रण तैयार करा है। ये देख सकते हैं कि गुड़ अच्छे से पिघल चुका है और हमारा ये ड्राई फ्रूट वाले मिश्रण में मिलाने के लिए तैयार है। हमारी गुड़ वाली चाशनी बनकर तैयार है। गुड़ को हमने ज़्यादा नहीं पकाया है, सिर्फ इसे पिघलाया है। टोटल हमने 200 ग्राम गुड़ लिया था और 2 टेबल स्पून पानी लिया था, उसी में पकाया है और सिर्फ पिघलाया है। अब हम इसे गरम गरम ही जो हम ड्राई फ्रूट का मिश्रण उसमें मिक्स कर रहे हैं। ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से मिक्स हुआ है। उसमें हमें इसके लड्डू बनाना है, इसे ठंडा नहीं करना है। ठंडा होने पर ये कड़क हो जाएगा और इसी तरह से हम इसके छोटे छोटे हाथ में लेकर लड्डू बनाएंगे। आप चाहे तो इसकी मिठाई भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसके लड्डू बना रही हूँ। ये बिल्कुल सॉफ्ट बनते हैं और इसे सभी लोग आसानी से खा सकते हैं। ये बहुत ही ताकत के रहते हैं। ये ठंड में बनाए जाने वाले ख़ास लड्डू है जो कि हमारे घर में सभी लोग खाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इससे ये लड्डू को खाने से ना ही कमर में दर्द होगा और ना ही कि हाथ पैरों में जोड़ों में किसी भी तरह से दर्द नहीं होगा। ये देखिए हम बिल्कुल छोटे छोटे मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं और इसी तरह से आप भी सारे लड्डुओं को बनाकर रख लें। ये हमारे लड्डू बनकर तैयार है। 150 ग्राम घी से हमने लड्डू बनाए हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से लड्डू बनकर तैयार है। ये लड्डू देखने में जितने सुंदर है, खाने में और सेहत के लिए उतने ही फ़ायदेमंद हैं। आपको हमारी रेसिपी पसंद आए, लड्डू की रेसिपी विंटर स्पेशल स्पेशल लड्डू आपको हमारी पसंद आए तो हमारी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ये देख सकते हैं कि हमारे लड्डू को मैं आपको बता रही हूँ, बिल्कुल सॉफ्ट लड्डू बने हैं।